लोकसभा मतदान संघ के उम्मीदवार श्री रामदादा पाटिल साहब के प्रचार के लिए मार्केट के अंदर अभी अभी रैली निकाली गई। उस रैली के अंदर मलकापुर नगरी के मतदान संघ के करते हुए अध्यक्ष शानदार राजेश जी एकले साहब, संतोष भाऊ रायपुर है, हाजी रशीद खा जमादार साहब और विकास अगाड़ी के महाविकास अगाड़ी के तमाम ही यहाँ पर नेतागण और कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं इस रैली के समारोह के संदर्भ में सबसे पहले अल्पसंख्यक के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष अलहाज राशिद खा जमादार साहब से विनती करता हूँ कि वो अपने दो शब्द यहाँ पर रखे। अल्लाह के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ, उसी पे है भरोसा, उसी पे नाज करता हूँ। कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं हर घर में अगाड़ी की फिदा चाहता हूँ, आप लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए अल्लाह से दुआ मांगता हूँ। आज 13 तारीख को होने वाले रावे लोकसभा मतदार संघ के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री राम दादा पाटिल, जिनकी निशानी तुसरी वाला मानूस 3 नंबर उनका है, उसके प्रचार के लिए हमारे मतदार संघ के लोकप्रिय आमदार राजे जी एकरे साहब, संतोष जी रायपुरे, माजी नगर श्याम कुमार राठी जी, सदम नगर जमादार साहब, डॉक्टर सलीम यूसुफ खान साहब, हमारे शिवसेना के दीपक संभाली जी, अरुण अग्रवाल जी दादा, तमाम यहाँ अताउर रहमान जमादार, तमाम यहाँ साहब नगर सेवक, तमाम नौजवान साथियों और दोस्तों, अभी आपको अपने सामने सबने मिलकर हमारे आमदार साहब ने पूरे पार्लियामेंट का दौरा किया। हमारी तरफ से हम उनके विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पर 100% तुसरी का मतदान हुआ होगा और आप ही के नेतृत्व से यहाँ पर इस सभी की दुआओं से श्री राम दादा पाटिल चुन के आएंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ और सभी से मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इसे कम टर्म में आपने आकर हमारे साथ दिया, ऐसे ही आप हमेशा हमारा साथ देंगे, यही आपसे दुआ मांगता हूँ। अलहाज रशीद का जमादार साहब, आपको जिन्होंने कारपेट की ओर से ये आश्वासन दिलाया कि हम लोग यहाँ से तुतारी बजाने वाले मानूस को लीड पर रखेंगे, जमदार साहब ने जब यहाँ पर आश्वासन दे दिया तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो 13 तारीख को अपने घरों से निकलकर 3 नंबर का बटन दबाए। निकलेंगे सब अपने घरों से, उसके बाद मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे मतदार संघ के कर्ता हुए शानदार राजेश जी एकड़े साहब को विनंती करता हूँ, राजेश जी एकड़े साहब से विनंती करता हूँ कि वो अपने यहाँ पर 2 शब्द हमारे बीच रखे। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार श्रीराम दादा पाटिल, इनके चुनाव के लिए अपन ने आज हाजी रशीद काजी जमदार साहब, हमारे नेता, महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक आघाड़ी के उपाध्यक्ष है, और डॉक्टर सलीम सनौल्ला भाई, यूसुफ भाई और सभी यहाँ के अताउर रहमान साहब और सभी संतोष भाऊ रायपुरे, शिवसेना के दीपक भाऊ और मान्यवर सभी महाविकास आघाड़ी के सभी नेतागण के उपस्थिति में आज बहुत अच्छी रैली का समारोह होने जा रहा है। भाइयों, विधानसभा के चुनाव के वक्त मेरे को जैसा 95% 99% वोटिंग पारपेट से हुई, पारपेट के वजह से मेरी जीत बहुत आसान हुई, वैसे ही अभी जमदार साहब ने बताया कि भाई यहाँ पे 100% वोटिंग होएगा, सिर्फ वोटिंग का परसेंटेज अच्छा होने को होना, यही ख्याल अपने को रखना है। आने वाला सब वोट जो बूथ तक जाएगा वो 100% तुतारी वाला आदमी इसको ही मिलेगा। तो अपन ने सभी यहाँ पे सभी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वोट बूथ तक आने को होना, ये कोशिश अपनी रहने को होना, और जो बूथ तक जाएगा वो वोट
अपने महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। मैं महाविकास आघाड़ी के तरफ से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसका धन्यवाद। जय हिंद।